हे गाइस, ताजा खबरों के लिए लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। जिस रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास की परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जलगांव में सड़कों की हालत खस से खस्ता थी, बद से बदतर हालत थी और इन हालतों पर कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा अनुमान था, थोड़ा ऐसा उम्मीद जगी थी जब जलगांव में शहरों में काम होने लगा था रास्ते का। नेहरी नाका से लेकर तो स्वतंत्रता चौक पर इस रास्ते का काम शुरू हुआ और रास्ता जब बनने लगा तो लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें जग गई कि अब जलगांव में सारे रास्ते का काम शुरू हो जाएगा। मैं इतने दिनों से देख रहा हूं बाकी और कहीं जगह पर कोई काम चल नहीं रहा है। जैसा बताया गया था कि टावर चौक से लेकर आकाशवाणी चौक तक सब कुछ बन जाएगा, चित्रा चौक से लेकर गणेश कॉलोनी तक सारे रास्ते बन जाएंगे, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आप लोगों से अपील करता हूं, आप जो दर्शक देख रहे हैं कृपया कर कमेंट में बताइए कि कहां पर काम हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो इसके खिलाफ आवाज उठाइए, आपका जो पार्षद है उसे बोलिए पैसे आए थे तो कहां चले गए। काम शुरू हुआ तो क्या सिर्फ नेहरी नाका से स्वतंत्रता चौक पे ही काम शुरू हुआ, सिर्फ उतने ही पैसे आए थे? अगर नहीं तो बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? और जो स्वतंत्रता चौक तक जो सड़क बनी है क्या उसका दर्जा देखा गया है? किस तरीके की सड़क बनी है, कैसी सड़क बनी है, क्या वहां पर जो चीजें लगानी चाहिए थी, जो मटेरियल लगाना चाहिए था वो यूज किया गया है या नहीं किया गया है, इस बारे में क्या जांच की गई है? हम तो हमारी तरफ से पता करेंगे ही, लेकिन मैं चाहता हूं कि नागरिक भी जागृत हो, नागरिक भी सवाल पूछना शुरू करें। और आप लोग अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो चिट्ठी लिखिए, मेल लिखिए, व्हाट्सएप नंबर्स बहुत सारे, ट्विटर है उस पर लिखिए, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी अपनी आवाज को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो चुपचाप मत बैठिए, आपके लिए लड़ने का ठेका मैंने या किसी और ने नहीं उठाया है, आपको अपने लिए खुद लड़ना पड़ेगा। आपने जिन लोगों को चुना है ना उनको जाके पकड़िए सुबह सुबह शाम को कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे आप लोग रहते हैं। जलगांव के लोग तो मुझे समझ में नहीं आता है, मुझे कभी कभी गुस्सा जस्ता आने लगता है। आपके घर के सामने धूल मट्टी सब कुछ उड़ रहा है, आपको पानी की परेशानी है, आपको लाइट की परेशानी है, बोलते नहीं है आप, किस चीज से डरते हैं? अगर आपने पैसे लेकर वोट किया है तो डरना आपको चाहिए ही, लेकिन पैसे लेकर भी वोट किया है तो आपने क्या अपना भविष्य बेच दिया है? बिल्कुल मत कीजिए ऐसा, उठिए और अपने हक के लिए लड़ना शुरू कीजिए। जय हिंद।